दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बता रहा हूं कि मैं, मेरी वाइफ और एक बच्ची, हम तीनों बीमार थे, कोविड हो गया था। और हमने अपना मन लगाने के लिए और अपने आप को फास्टर रिकवरी के लिए, हम घर में ही अपने अपने रूम में एक्सरसाइज करते रहे। हमने द डे वन से एक्सरसाइज नहीं छोड़ी। जब से हमने टेस्ट कराया, टेस्ट की रिपोर्ट थोड़ी लेट आई, लेकिन हमने मान लिया कि ये कोविड हो गया और हम एक्सरसाइज करते रहे। इसमें क्रिटिसिज्म की बात नहीं है, लोग बहुत कुछ एक्सपर्ट हैं हमारे से, लेकिन हमने अपना एक्सपीरियंस बताया कि कैसे हम फास्टर रिकवरी के लिए ये कर सकते हैं। हमारी रिकवरी बहुत फास्ट हुई, हम ठीक हुए, हमें ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि हम एक्सरसाइज करते रहे। पैंडेमिक के बीच में भी करते रहे, जब फीवर था तब भी करते रहे, लेकिन हल्की हल्की। मैंने 5-5 बार बताया टाइम कम लेने के लिए। आप अगर स्टेमिना ज्यादा हो तो 10-10 बार, 15-15 बार भी कर सकते हो। इसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्ट ओपिनियन की नहीं है, जो हमने कमरे में कर सकते थे अपने रूम में वो किया, वो बता रहा हूं। चलिए, फर्स्ट एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4, 5। मैं 5 कर रहा हूं, आपको बाद में बताता हूं। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। अब 1, 2, 3, 4, 5। अब ये 1, 2, 3, 4, 5। ये अब ये 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। क्योंकि मैं इतना एग्जैक्ट नहीं कर पाऊंगा जितना योग है, लेकिन हमने अपने गुजारे के लिए किया, आप भी कर सकते हो घर पे। फर्स्ट अलोम विलोम, लेफ्ट से शुरू करके राइट, फिर राइट, थोड़ा थोड़ा 5-10 सेकेंड होल्ड करके और 10 से 15 बारी, फिर कपाल भारती। मैंने 20 किया है, लेकिन आपको बाद में बताता हूं। अब नेक्स्ट इज पूरा सांस नाक से, फिर छोड़ो। दस से 15-20 बारी, और अब ये नॉर्मल लंबे लंबे सा। अब ये 1-2-3 एक्सरसाइज बता रहा हूं, अगर ये कर पाए आप तो ठीक है, हमने की है क्योंकि हम करते ही है। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। द सेकेंड इज रोइंग 1, 2, 3, 4, 5। देखिए, इसमें गलतियां भी हो सकती हैं, बिकॉज वी बिलोंग्स टू जिम कल्चर, नॉट योगा कल्चर। पर फिर भी कोई इक्विपमेंट नहीं था, कुछ नहीं था, सारे बच्चों को हमने बताया और आपके नॉलेज के लिए बता रहे हैं और डाइट भी बता रहे हैं। मेरी स्मेल भी चली गई थी, टेस्ट भी चला गया था, मेरी वाइफ की भी बहुत तबीयत खराब थी, लेकिन हमने ऐसे रिकवर किया, दवाई लेते रहे। जैसे कि हम कपाल भारती में 2-2.5 हजार भी कर लेता हूं, आप लोग भी उसको स्टेमिना बढ़ जाए तो कर सकते हैं। हाँ, बेड के ऊपर बताना फाउल था, बेड के ऊपर तो एक्सरसाइज नहीं, पर अपने रूम में है तो क्या करेंगे। तो बेड के ऊपर भी बैठ के अगर आपकी तबीयत खराब है तब भी एक्सरसाइज हो सकती है, इसमें ये एक्सक्यूज नहीं है यार, बीमार है तो बीमारी में भी ये हो सकता है और अच्छा रिकवर भी हो सकता है। अब डाइट देखिए, डाइट में मैंने स्मेल के बारे में और टेस्ट के बारे में बताया, ये हमारा एक्सपीरियंस है। और भी बहुत सारी डाइट होंगी, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा भी बताते होंगे,
मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, मैंने बताया कि हमने क्या यूज किया वो आपको बता रहा हूँ। ये काढ़ा है, मुलट्ठी, सौंफ, तुलसी, काली मिर्च और मोटी इलायची और अदरक, उसका ये काढ़ा बनाया। लेकिन दिन में दो बार, एक से दो बार, ज्यादा नहीं कि सारे दिन पीते ही रहना। ये अब फ्रूट्स पे आए तो तरबूज है, खरबूजा है और पपीता है, ये आपने लेना है। सलाद में खीरा, शिमला मिर्च, टमाटर, गाजर। गाजर अगर आपको कोई डायबिटिक है तो गाजर नहीं यूज करें, और ये यूज, और प्याज आप यूज कर सकते हैं, और ब्रोकली। ब्रोकली अब आ जाए ड्राई फ्रूट, थोड़ी ताकत भी चाहिए, काजू, किशमिश, बादाम और अखरोट, और ये खजूर भी ले सकते हैं अगर आप डायबिटिक नहीं है, खजूर भी अच्छा आपको आराम करेगी अंदर। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे मेरी स्मेल चली गई थी, आप स्मेल चली जाए तो लहसुन को यूं छील के ये स्मेल करो, ये करो, और ये मिंट है, मिंट, मिंट, इसको स्मेल करो। अभी मेरी 15 दिन बाद अब स्मेल वापस आई है, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। और गर्म पानी, वार्म वाटर, बहुत गर्म नहीं, दिन में दो या तीन बार, क्योंकि आप अगर ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो लिक्विड ज्यादा लेते रहें, ताकि, और बहुत ज्यादा गर्म चीजें लेने से ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाएगा। लेकिन आप बैलेंस फूड रखें, बाकी रोटी खाएं, ये करें, और योगा के हिसाब से बहुत सारी कमियां होंगी। लेकिन हमने जो किया वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया कि आप 10-15-20 मिनट का वर्कआउट भी कर सकते हो। मैंने एक एक घंटा किया, अभी बाद में फीवर में भी करता रहा, मेरी वाइफ भी करती, उससे हुआ ये क्या, हमारी रिकवरी जल्दी हो गई। ये एक्सरसाइज कोई भी एज ग्रुप, 16 साल से लेकर लेकर 60, 65, 70, चाहे वो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, चाहे वो डायबिटिक हैं, आप वैसे भी अगर बीमार हैं और कोई ऐसी बात है कि आप चल फिर नहीं सकते, तो बेड के ऊपर बैठ के भी ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत जीवन में फायदा मिलेगा। सबसे पहले माइंड बीमार होता है, फिर बॉडी होती है, समझ गए ना। तो माइंड को हमने दुरुस्त रखने के लिए वर्जिश की, रात को नींद की प्रॉब्लम थी, बच्चों को बताया कि आप रात को वर्जिश करके शाम को फिर खाना खा के फिर नींद भी आती है। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।